हेलो दोस्तों, एसएनडी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हेक्सागोनल नट की असेंबली तैयार करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी असेंबली को तैयार किया जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कुछ जो टर्म्स होते हैं, कहाँ पर चैम्फरिंग कितना कितना होगा, मेजरमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए कि डायामीटर जो है दोस्तों, वो आपको दिया गया होगा। आपका जो डायामीटर होगा दोस्तों, वह 40 mm होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपका जो डायामीटर की अगर बात कर ली जाए, तो इसके बाद में आपका जो बोलते हैं एंड टू एंड, मतलब कि अक्रॉस फ्लैट्स कितना होना चाहिए, तो अक्रॉस फ्लैट्स यह होना चाहिए आपका 1.5D प्लस 4 mm। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपका यहाँ पे अक्रॉस कॉर्नर कितना होगा, जो है वह 2D होगा दोस्तों, जहाँ D जो है वह डायामीटर ऑफ आपके बोल्ट का होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपके जो चैम्फर टॉप होता है, वह होता है आपका 30 degree, और साथ ही साथ अगर रेडियस ऑफ चैम्फर बोले तो बोला जाए तो वह होगा आपका 1.2D। साथ ही साथ आपके नट की जो हाइट होगी दोस्तों, हाइट ऑफ नट वह कितना होगा दोस्तों आपका 0.9 से 1D तक। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में दोस्तों आपका जो R1 होगा वह होगा 0.5D। ठीक है दोस्तों, और बस दोस्तों यही वे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रख के इस डिज़ाइन को तैयार करना होता है। तो आप जैसा कि ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किस कहां पर कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अंत तक हमारे साथ बने रहें और अच्छी तरीके से देखें कि किस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, स्केल की सहायता से यहाँ एक लाइन खींच लेंगे सेंटर पर, कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी थोड़ी सी आगे इसे बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आपको जैसा कि डाया दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये आपका डायामीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपके 40 mm का एक डायामीटर लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टॉप व्यू बनाएंगे दोस्तों। ये हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तैयार कर रहे हैं डायग्राम, तो अंत तक देखिएगा हमारे साथ। और ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसा कि आपको 40 mm का जो है यहाँ कहीं पर हम सबसे पहले हमारा पॉइंट ले लेंगे। अब जैसे कि डाया आपको दे रखा है 40, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 20 का तो आपको चाप खोलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 20 का
ठीक है, ये मैंने 20 का खोल दिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि ये हमने सर्कल खींच लिया है, यहाँ से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि हमको यहाँ पर अक्रॉस फ्लेट्स जो ये दे रखा है, कितना दिया है आपको 1.5D प्लस 4 mm, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 प्लस 4D, आपका जैसे 40 रखेंगे 15 चौक 60, यानी कि 60 है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 64 के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख लें, 32 ऊपर की तरफ रहेगा और 32 नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका 64 जो है कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करें आप, ये जैसे कि कुछ इस प्रकार से, ये आप यहाँ पर इसे बिंदु को आगे तक बढ़ा दें इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आप इसे बिल्कुल एज इट इज़ नीचे की तरफ, जो पॉइंट है इस पर भी, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच लें। अब ये लाइन लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से ये सर्कल आपको ड्रॉ करना है, दोनों बिंदुओं पर मिलेगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है दोस्तों, जिससे कि आप जो है फटाफट एग्ज़ाम में कवर कर सकेंगे। कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि अब यहाँ पर ये जितना आपका पॉइंट है, ठीक है, अब दोस्तों अक्रॉस कॉर्नर जो आपको दिया है 2D दिया है, तो 2D का मतलब ये है कि आपको 40 का 80 करना होगा, तो यहाँ रेडियस आप 40 का ले लें, ठीक है, और इस बिंदु पर जो है आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो डायमीटर आपका 80 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये सेंटर लाइन को आप आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, और इसे भी आगे तक बढ़ाते चलें, ठीक है। अब ये होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका सेंटर लाइन है वो ऊपर तक भी ऐसे ही आपको बढ़ा देना है, ताकि आपको कुछ बाद में कम मेहनत करनी पड़े। अब जैसे कि ये बन गया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितना आपने ये रेडियस लिया था उतने पे आपको एक चाप काट लेना है, कुछ इस प्रकार से, और ये होने के बाद में दोस्तों आपको इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका नट का डायग्राम तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक थ्रेड काटनी है, तो थ्रेड के लिए आपको जस्ट थोड़ा सा जो है गैप मेंटेन करते हुए, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जैसा कि ये आपका हो गया है, तो अब आपको क्या है, सिमिलरली यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लें दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट मिलते हुए जाना चाहिए दोस्तों, ये सीधी लाइन खींच लें, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी सारी लाइनें हमें ट्रांसफ़र करनी होगी,
ठीक है दोस्तों, अब आपको जो है दोस्तों यह आपका टॉप व्यू तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर हम जो है इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे दोस्तों। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करना होगा आपका, जैसे कि ये हमने खींच लिया है, तो आपको यहाँ से जितने भी ये है पोर्शन, जो आपका थ्रेड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो आपने थ्रेड काटा है तो उसका भी आप ऊपर तक ट्रांसफ़र कर लें दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेना है कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है नेट की हाइट जो आपको दी है वो कितना, 0.92 डी, तो हम डी मान लेते हैं, डी हमारा 40 है, तो हम यहाँ पर हाइट जो है 40 लेंगे। तो दोस्तों हम ये जो हमने लाइन नीचे खींचा है तो इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर आपका स्पेस जो है बराबर मिल सके आपको। अब यहाँ पर जो आपको हाइट दी गई है वह क्या है, आपकी जो हाइट होगी वो आपकी 40 ऊपर की तरफ दे रखी है हाइट, मतलब यहाँ पे आपको डी के बराबर दिया है हाइट नट का, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से पोर्शन जो है ऊपर की तरफ 40 ऊपर ले जाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये हमने 40 खींच लिया है, तो अब मैं इसको यहाँ से ऊपर तक ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपका जो ये पोर्शन है ये आपका 40 तक जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ऊपर का चैम्फर जो पार्ट ऊपर का उठा हुआ रहता है आपने नट में देखा, बोल्ट में देखा होगा, तो ये पोर्शन जो है एंडिंग इसी लाइन पर छुएगा, तो वो कैसे बनेगा दोस्तों, उसके लिए आपको जो डायमेंशन दिया गया है ये आपका रेडियस ऑफ चैम्फर, रेडियस ऑफ चैम्फर जो आपको दिया है 1.2D का मतलब ये है कि यदि इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 48, तो 48 तक अगर मैं निकालूँगा तो ये कुछ यहाँ से, ठीक है दोस्तों, तो ये पोर्शन जो है आपका, पहले हम इसको मिला देंगे दोस्तों ताकि इसके बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, हल्के से मिलाना है, कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका जो है चैम्फर जो किया हुआ है, तो चैम्फर का मतलब ये है दोस्तों कि कोई नट जो रहता है तो नट का ऊपरी हिस्सा कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से दिखता है हमको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्रकार का उठा हुआ भाग जो रहता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है इस बिंदु पर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको दिया गया है तो इन दोनों का जो सेंटर है दोस्तों, आप 48 आना है। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों के मध्य सेंटर से ये जो आपने लाइन खींचा है, कौन सा, ये वाला लाइन, तो इस बिंदु पर रखकर आपको जो है यहाँ से इस पोर्शन को कुछ इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक है, एज इट इज़ इन दोनों के सेंटर से भी हम ऐसे ही जो ये बिंदु मिला है हमको, तो सेंटर पे ले लें और इन दोनों पोर्शन को भी मिला देंगे। तो ये पोर्शन मिलने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन खींच लेना है कुछ, ये जो पोर्शन आपका मिला है तो इसे और इसे मिला देंगे हम। सॉरी, यहाँ तक मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाने के बाद में दोस्तों आपका जो पोर्शन है ऑलमोस्ट इतना तो तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन पोर्शन को भी इसी प्रकार से मिला देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इस मेथड में अगर समझाऊँ तो आपको क्या करना है, ये जैसे पोर्शन मिल गया है तो यहाँ से लाइन खींच ले, इसको भी खींच ले और अब इस पोर्शन को मिला दें। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे मिला देते हैं। ठीक है, और इसे भी,
मिला दें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका पोर्शन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है इसका रेडियस दिखा सकते हैं, जो है दोस्तों ये आपका जो 1.2D था वही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपका साइड व्यू तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे सारे पोर्शन। तो ये लाइन जो है आप खींच लें दोस्तों कुछ इस प्रकार से, दूसरा ये खींचें, देन इसके बाद में इस पोर्शन को खींच लें, और एक ये, ठीक है दोस्तों। अब जो है आप ऐसे ही ये पोर्शन को अच्छी तरीके से खींच लें, ठीक है, और देन ये, और लास्ट में ये पोर्शन अच्छे से खींच लें। कुछ इस प्रकार से, और ये सेंटर लाइन जो है आप यहाँ से और ये इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब ये जो आपने ट्रांसफ़र कर लिया है दोस्तों, तो यहाँ से आपको जो ये पोर्शन तैयार होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, इतना स्पेस काफ़ी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको राइट एंगल लेना होगा बिल्कुल, जो पोर्शन हमने लिया है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस बिंदु पर रखकर आपको जो 45 डिग्री पर कुछ तो ये जैसे कि मिलेगा, तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, राइट एंगल। इस प्रकार से 45 डिग्री ले ले, और यहाँ तक भी इसे आगे तक खींच लें। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल सारे पोर्शन को ऊपर तक ट्रांसफ़र कर लेना है, जैसा कि ठीक है दोस्तों, और ये पोर्शन देन ये, फिर इस पोर्शन को खींच लें, फिर ये, ये खींचने के बाद में अंतिम इसको भी इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपने लाइन खींच लिया है सब कुछ, अंतिम पॉइंट जो है दोस्तों ये वो भी मिला देंगे कुछ ये लाइन। तो हमने ये सारी लाइंस जो है ट्रांसफ़र कर ली है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर इसका जो है आपको कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा दोस्तों, एक तो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये लाइन से इस लाइन के बीच में और इस लाइन से इस लाइन के बीच में आपका ये पोर्शन नज़र आएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आपका जो, ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन तो ऊपर जा ही रही है, ठीक है, अंतिम लाइन, ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है सेंटर लाइन एज इट इज़ होगा, यहाँ पर सेंटर लाइन आएगा दोस्तों, इसको आप सेंटर लाइन में ही ड्रॉ करें, ठीक है, और ये आपका एंड लाइन,
कुछ इस प्रकार से। अब आप वही जितना कि आपको नीचे से है लाइन खींच लें इस पोर्शन से बराबर। ये होने के बाद में आपको दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ये तो हाइट तो आपको कितनी लेनी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है वो तो आपको एज इट इज़ रखना ही है। कहाँ तक लेंगे दोस्तों, बिल्कुल जो ये सिरा है आपका हेक्सागोनल का है तो यहीं तक नज़र आएगा। तो यहाँ से जो ये है पोर्शन आपका तो ये अंदर तक ही रखना है इस पोर्शन से आपका, जैसा कि दिया गया है 1.5D प्लस 4 जितना दिया गया है वो रखना है, तो 64 ही रखें। तो 32 जहाँ आपका है तो 64 कहाँ आएगा, तो ये आपका जो पोर्शन आपने तैयार किया है यहाँ से ऊपर की तरफ लेना होगा। तो ये 1.5D ये जो पोर्शन दिया है ये आपका कितना आएगा कंप्लीट 1.5D प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आप माप लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5D लेंगे तो ये 1.5 × 40 प्लस 4 तो 64 होगा। 64 का हाफ सेंटर से देख लें दोस्तों तो ये आपका 32 आएगा, और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ही आपका ये पोर्शन मिलेगा दोस्तों आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने को मिलेगा। यहाँ से आपकी हाइट कितनी होगी दोस्तों, तो वो आपकी बिल्कुल जितना ये है उतना यहाँ पर आएगा। तो एच जो हाइट जो है वो यहाँ पर आपको डी के बराबर दी गई है, तो हाइट ले ले 40 लेने के बाद में दोस्तों यहाँ से ये आपका लाइन हो जाएगा, ये यहाँ पर मिलेगा। सॉरी दोस्तों मैंने कम रखा, तो यहाँ से ये पोर्शन जो है आपका 40 ऊपर तक जाएगा, और इसे एज इट इज़ मिला लें। ठीक है, ये पोर्शन मिलने के बाद में आपको वही कार्य करना है जैसा कि ये बराबर कर लें इसको। ये करने के बाद में आपको एज इट इज़ यहाँ से ये पोर्शन और यहाँ से ये पोर्शन मिला लेना है, तो इनका सेंटर ले ले दोस्तों और इसको बना ले। तो 32 का आधा 16, कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है दोस्तों ये यहाँ आ जाएगा। और जैसे ये पोर्शन आपका मिलेगा तो आप यहाँ से प्रकार ले लें, और प्रकार से आप जो है इसे कुछ इस प्रकार से मिला लें दोस्तों। और इसे तैयार कर लें, तो ये पोर्शन आपका मिल गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो ये पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप इनका सेंटर लेंगे तो 0.9D रखेंगे, जैसा कि आपको हाइट ऑफ नट दिया गया है आधे से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पोर्शन कितना होगा 45 डिग्री पर होगा दोस्तों। ये तो आपको एज इट इज़ पता ही है। ये आपका जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो हेक्सागोनल नट बोल्ट है नट है वो तैयार होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यदि वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल रहे और अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें, हमें बहुत खुशी होती है कि यदि आप हमारी मेहनत जो है आपको पसंद आती है। और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट फिर वीडियो अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग नॉलेज से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अच्छे से देख लें, ये पोर्शन आपका अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। डायग्राम डाइमेंशनिंग कर ले दोस्तों। थैंक यू।